क्या हाल है मेरे जिगर के छल्लो दोस्तों। जैसे तैसे किडनी विडनी बेचकर आईफोन 13 तो ले लिया, लेकिन फोन घर आने के बाद क्या पता चला इसमें तो चार्जर ही नहीं है बे। अब नया नया आईफोन, उसमें कोई आंडू पांडू लोकल सोकल चार्जर से चार्जिंग करूंगा तो फोन तो खराब हो जाएगा। बात तो सही है। अब नया चार्जर लेने गया तो क्या पता चला ये तो 1800 का है। नया फोन लिया हूँ तो चार्जर तो भाई लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो एक किडनी तो पहले ही भेज दिया था भाई आईफोन के लिए, दूसरा भेज दूंगा तो आप लोग के लिए वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो फाइनली मेरे दोस्त का क्रेडिट कार्ड से ले लिया। अच्छा, अब चार्जर तो ले लिया, बात आ गई माइक्रोफोन की। मेरे पास ऑलरेडी बोया का एक माइक्रोफोन था जिसे मैं ब्लॉग शूट करता था, लेकिन ये फोन आने के बाद क्या पता चला इसमें तो हेडफोन वाला जैक ही नहीं है। भाई माइक्रोफोन कनेक्ट करना है तो कुछ तो अरेंज करना ही पड़ेगा। अब मैं गया एप्पल वेबसाइट पे इसका जो लाइटनिंग केबल है कन्वर्टर वो सर्च करने, क्या पता चला है भाई ये तो छोटा सा केबल इतू सा केबल 900 रुपए का है। दिल पे चोट लग गया भाई, बुरा लगता है भाई। भाई आईफोन वालों, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दिस इज बिजनेस। तो एक बात तो कहूंगा राजा, कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, गधा पाल लेना, और चाहिए तो दो दो गर्लफ्रेंड पाल लेना, लेकिन आईफोन के शौक मत पालना भाई। मगर क्यों? इसके खर्चे उठाते उठाते तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी भाई। और कहीं गलती से भी इसका स्क्रीन टूट गया तो इसके खर्चे सुन के हार्ट अटैक से मर जाओगे उसी दिन। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ इनऑर्बिट मॉल में। अब लोकल सोकल मार्केट से कन्वर्टर लूंगा तो भाई माइक्रोफोन नहीं चला तो भी प्रॉब्लम। बात तो सही है। तो मैं सोचा हूँ भाई एप्पल से ही लूंगा, एप्पल के जो ऑथराइज्ड सेलर है वहाँ से ही लूंगा। तो भाई मुझे अब वीडियो बनाने हैं तो माइक्रोफोन तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो चलता हूँ मैं मॉल के अंदर और लेता हूँ माइक्रोफोन कन्वर्टर। फाइनली अभी आ गया हूँ मैं इनऑर्बिट मॉल में और ऊपर है एप्पल स्टोर। देखता हूँ कितने में आ रहा है, छोटा सा टुकड़ा ही है भाई। लाइटनिंग 3.5 mm जो कन्वर्टर रहता है। तो फाइनली एप्पल स्टोर आ गया हूँ गाइस और अंदर जा रहा हूँ। सो गाइस, ये है एक छोटा सा इतना बड़ा केबल और ये है 900 का। हालांकि अमेजोन पे मुझे 750 में मिल रहा था, बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इन केस वर्क नहीं किया तो मेरा रिप्लेसमेंट में तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। 3 से 4 इंच का केबल, कार्ड वर्ड पे कुछ भी डिस्काउंट नहीं चल रहा है। इसमें माइक्रोफोन वर्क करेगा ना? एक्चुअली मैं माइक्रोफोन के लिए ले रहा हूँ। हाँ, तो इसका वारंटी वगैरह कैसा होगा? कवर 1 ईयर वारंटी। सो इसको कहीं पे भी एप्पल स्टोर पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना, या यहीं पे आना पड़ेगा लेकर मुझे? कर सकता है, थोड़ा सर्विस सेंटर में जाके ना चेंज भी करा सकते हो। सो हमारे भाई साहब केबल निकाल रहे हैं अभी, इतने छोटे से प्रोडक्ट के लिए 900 देना पड़ेगा हमें, बहुत खर्चे हैं आईफोन में भाई। आपको किसके लिए चाहिए सर? माइक्रोफोन 3.5 mm वाला कनेक्ट करना है। यस, तो कुछ डिस्काउंट नहीं है कोई भी कार्ड वगैरह पे? कोई डिस्काउंट नहीं है मैडम जी, तो ऐसे घूर रहे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। तो प्रोडक्ट तो अभी मिल गया मेरे हाथों में, ये है 900 का लाइटनिंग टू हेडफोन जैक कन्वर्टर। घर पे करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो हमारे SRJ गेमिंग अपना फ्यूचर PC देख रहे हैं, भाई का गेमिंग चैनल है, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मज़ा आ रहा है सूरज, पसंद आया? यस। तो भाई को फ्यूचर में लेना है नेक्स्ट 3 to 4 months में, तो एक्सपीरियंस ले रहे अभी। सो ये आईफोन 14, बट 13 में ये कलर अवेलेबल नहीं था, काफ़ी प्यारा लग रहा है कलर। तो गाइज, ये इतना छोटा सा प्रोडक्ट मुझे लेने पड़े हैं 900 में यूनिकॉर्न शोरूम में, जो कि इनऑर्बिट मॉल में। सो फाइनली बिल बन गया 900 का, और एक माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए मुझे एक प्रोडक्ट के लिए 900 देने पड़े हैं। तो भाई एप्पल चलाना ही कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट ले लिया हूँ, अभी मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। बैकग्राउंड को आप सब इग्नोर करना, ये हमारे और आपकी काम की चीज़ें नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो गाइस, ये है लाइटनिंग टू 3.5 mm कन्वर्टर। बिना इसके मैं माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा मेरे फ़ोन में, मुझे ये वाला जैक चाहिए रहेगा। सो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये है भाई लाइटनिंग टू 3.5 mm कन्वर्टर, इतना छोटा सा 2 से 3 इंच का, बहुत मुश्किल से होगा।
और भाई इतने छोटे प्रोडक्ट के लिए मुझे 900 रुपये देना पड़ा सिर्फ एक माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए। तो एक बार आप सबको मैं इसकी प्राइस भी दिखा दूं, पीछे साइड पे प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 900 रुपये भाई इसके लिए। तो देखते हैं अगले ब्लॉग में यूज़ करूँगा मेरे माइक्रोफोन के साथ इस कन्वर्टर से, तो देखते हैं कैसा आता है ऑडियो की क्वालिटी। फिर भी एक बार मैं बिल का प्राइस दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं 900 का मुझे बिल बनाया गया। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर माइक्रोफोन के साथ।